शौर्य, पराक्रम और संघर्ष के लिए संपूर्ण विश्व में अपना लोहा मनवाने वाला बुंदेलखंड, जिसने कभी हारना नहीं सीखा। वहाँ के लोगों का जीवन सदा ही प्रेरणादायक रहा है। उसी बुंदेली माटी के सपूत, महान व्यक्तित्व के धनी, सफल उद्यमी, समाज सेवी और राजनेता LL सोनी जी से हम आपका परिचय करवाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का जिला पन्ना, दुनिया के सबसे कीमती हीरे को जन्म देने वाला पन्ना, अद्भुत चमत्कारी क्षमता वाली मिट्टी का धनी है। इसी पन्ना जिले की एक तहसील है पवई, जिसके छोटे से गांव कुंवरपुर में श्री अनंत राम जी सोनी के घर द्वितीय पुत्र रत्न के रूप में श्री लखन लाल जी सोनी ने 30 नवंबर 1968 को जन्म लिया। आप बचपन से ही चपल, चंचल, कुशाग्र बुद्धि के धनी और व्यवहार कुशल थे। सभी बातों को जानने समझने की जिज्ञासा और कला के प्रति प्रेम आप में बचपन से ही था। 15 जून 1985 को आप श्रीमती रानी देवी सोनी के साथ विवाह बंधन में बंध गए। अपने पुस्तैनी कार्य सुनारी व्यवसाय को करते हुए आप कभी संतुष्ट नहीं थे और हमेशा ही आप कुंवरपुर से बाहर जाकर अपना भाग्य आजमाना चाहते थे। आपकी गांव छोड़कर किसी शहर में जाकर काम करने की बातें उस वक्त गाँव वालों को मजाक लगती थी। इन्हीं परिस्थितियों के बीच वक्त बीतता जा रहा था और इसी दौरान आप 3 बच्चों के पिता बन चुके थे। किंतु जहां चाह वहां राह वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए आखिर आपने अपने पुश्तैनी गांव से मात्र 10 रुपए साथ लेकर पत्नी और बच्चों सहित विदा ले ही ली। गांव से निकलकर आप शंकरगढ़, सोनपुर, इलाहाबाद, सतना, रीवा आदि शहरों में रहकर छोटे मोटे काम करते हुए अपने परिवार का भरण पोषण करते रहे। इसके बाद आप 27 जुलाई 1979 को भोपाल आ गए, जहाँ आपने प्रारंभ में एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की। अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी के चलते आपने 1993 में अपनी कंपनी MP सिक्योरिटी फोर्स प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। सफलता के रास्ते पर आपके कदम यही नहीं रुके। आप निरंतर आगे बढ़ते हुए सिविल कॉन्ट्रैक्टर और वर्तमान में एक पेट्रोल पंप के मालिक भी हैं। सिर्फ व्यवसाय ही नहीं, समाज सेवा और राजनीति के क्षेत्र में भी आप हमेशा अग्रसर रहे हैं। वर्तमान में आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी के विधायक प्रतिनिधि एवं एक श्रेष्ठ समाज सेवक के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। क्षेत्र की जनता की समस्याओं का समाधान करना आप पुण्य का काम मानते हैं। जब भी आप भोपाल में रहते हैं तो सुबह से ही आपके यहाँ स्थानीय लोगों का तांता लगा रहता है। अहम से परे आप सभी लोगों से सहज भाव से मिलते हैं और सभी की समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करते हैं। व्यवसाय, समाज सेवा, राजनीति के बाद भी आप अपने परिवार के साथ रहने के लिए समय निकाल ही लेते हैं। परिवार के साथ खुशियों के पल व्यतीत करना आपके लिए नई ऊर्जा का स्रोत है। आपके परिवार का माहौल बहुत ही सौहार्दपूर्ण है। पूरा परिवार जब एक साथ होता है तो बहुत ही धमाल का माहौल होता है। आपके दिन की शुरुआत अपनी पत्नी के साथ ही होती है। चाहे भगवान की पूजा हो या सुबह का नाश्ता, आप हमेशा अपनी पत्नी के साथ ही करते हैं। उसी दौरान आपकी घरेलू एवं व्यावसायिक चर्चाएं भी हो जाती हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले आप अपनी पत्नी से सलाह जरूर लेते हैं। दोनों का अधिकतम समय साथ ही व्यतीत होता है। घर से बाहर निकलने के पहले आप अपनी पत्नी के हाथ से पानी पीना कभी नहीं भूलते। आपकी सबसे बड़ी बेटी सरोज सोनी है, जो वर्तमान में डॉक्टर DD सोनी के साथ विवाह बंधन में बंधकर अपना दाम्पत्य जीवन का निर्वाह कर रही है। सरोज सोनी की एक प्यारी सी बिटिया परी, जो कि पूरे परिवार की रौनक है। आपके बेटे राजू दीपक सोनी, जो कि योगा के क्षेत्र में अपना लोहा देश विदेश में मनवा चुके हैं। आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए बहुत ही खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही हैं और पूरे परिवार के साथ उनका हमेशा सामंजस्य बना रहता है। आपके सबसे छोटे बेटे और निहायत ही लाड़ले बेटे राजन सोनी हैं, जो राजनीति में अच्छा खासा दखल रखते हैं। साथ ही पेट्रोल पंप का व्यवसाय भी वही संभालते हैं। आपके जीवन के छुए अनछुए पहलुओं पर वरिष्ठ पत्रकार श्री अतुल विनोद पाठक से आपने खुलकर बात की। आइए हम आपको उस इंटरव्यू के कुछ अंश दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अतुल विनोद पाठक, स्वागत है आपका। दोस्तों, जिंदगी में यदि मुश्किलें आती हैं तो या तो उन मुश्किलों से हार मान लो या उन मुश्किलों को हराकर जिंदगी बना लो।
ऐसे विरले ही लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी में मुसीबतों से पार पाकर अपनी जिंदगी को भी संवारते हैं और दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी लाने का काम करते हैं। ऐसे ही एक शख्स है एलएल सोनी, जो एक छोटे से गांव में गरीब परिस्थिति से निकलकर भोपाल पहुंचे और यहां अपना मुकाम स्थापित किया, राजनीति, समाज सेवा और बिजनेस में एक नाम हासिल किया, नाम कमाया। नमस्कार जी। तो स्वागत है सोनी जी। सबसे पहला सवाल आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में। सर, मैं छोटा सा गांव है कुंवरपुर है, वहां पर रहता था। मेरे पापा मम्मी की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। इसके बाद 80 में मेरी शादी हो गई थी, 3 बच्चे भी वहीं पर हो गए थे। सोनी जी, शिक्षा के बारे में बताइए कि आपकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई। सर, मैं 85 में मैंने हायर सेकेंडरी पास किया। आर्थिक स्थिति सही नहीं थी तो मैं कॉलेज नहीं कर पाया। गांव से शहर जाने का विचार कैसे आया, कैसे प्रेरणा मिली कि आप छोटे से गांव से निकले और बाहर शहर में जाकर अपना भाग्य आजमाएं। सर हाँ, हम लोग कभी कभी बैठा करते थे और दोस्त वगैरह सब स्कूल में पढ़ते रहते थे। उस समय हमको एक प्रेरणा आई कि यार हम इस गांव को छोड़ देंगे, हमको नहीं रहना है यहाँ पर, बाहर जाके कुछ ऐसे काम करूंगा जो कि आदमी याद रखे कि यार वो लड़का वहाँ का था और उसने कुछ काम किया है। गांव वाले हंसते थे, सब कहते थे यार क्या है लखन भाई, कहाँ जा रहे हो, क्या है, कोई नहीं मिलेगा, मर जाओगे तुम, भूखकर मर जाओगे, या जो भी होगा, मतलब अदब, सभी प्रकार की गाँव की बातें होती हैं। वो सब लोग यही बोलते रहते थे, कहते रहते थे। हमने कहा ठीक है, तुम्हारा बोलना काम है, मेरा जाना काम है, मैं निकल जाऊँगा, मैं जाऊँगा जरूर। 89 में वहाँ से 10 रुपये लेकर के निकला था। तो जब यहाँ से मैं सफ़र तय हुआ तो मैं रीवा, सतना, इलाहाबाद, जौनपुर, शंकरगढ़, ये छोटे छोटे जगहों पर कहीं ठेला लगाया, कहीं चाय बेची, कहीं बहुत सारी परिस्थितियों से गुजर के मैं 27 जुलाई 1989 को भोपाल आया। जब आपने शहर की गलियों में कदम रखा तो किस तरह की मुश्किलें आई? सर, यहाँ पर एक रीवा में चौहान साहब थे जो सिक्योरिटी एजेंसी के सिक्योरिटी सुपरवाइजर थे, उनसे मेरी मुलाकात की। उनने बोला कि यार कहाँ चलोगे, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर? तो मेरे मन से आया कि भोपाल चलना है। वो जब हम भोपाल आए तो एक छोटे से सिक्योरिटी एजेंसी थी, उसमें मैंने गार्ड का काम किया। इसके बाद बल्लभ हम वगैरह की सिक्योरिटी एजेंसी वगैरह में और भी मैं काम करता रहा और वहाँ 600 रुपये मेरे को तनख्वाह मिलती थी। मैंने 1 महीने 80 दिन करीबन काम किया और फिर वहाँ से मैं रवाना होकर के बच्चों को रीवा से भोपाल लेकर के आ गया। बिजनेस में आपने कैसे मुकाम हासिल किया? शुरुआत तो क्योंकि आपके एक छोटे से गार्ड के रूप में हुई थी, फिर कैसे आप आगे बढ़े और कैसे अपना खुद का कारोबार स्थापित किया? सर, कुछ इस तरह भी रहा लेकिन कुछ सहयोग भी मिलता रहा। और जब किस्मत अच्छी होती तो साफ सब चीज़ें साथ साथ मिलती जाती हैं। एक ऐसे शख्स मिले हमारे त्रिपाठी भी, उन्होंने बोला कब तक तू गार्ड की नौकरी करेगा, तू हमसे पैसे लेके एक रजिस्ट्रेशन करवा और एजेंसी खोल ले तो तू आगे बढ़ जाएगा। और ऐसे साहब 1993 में मैंने एक कंपनी की स्थापना की, MP सिक्योरिटी फोर्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। सोनी जी, एक और सवाल आता है कि जब भी कोई व्यक्ति बिजनेस में होता है तो कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं जब आदमी मुश्किलों में घिर जाता है। ऐसे हालात क्या आपके साथ भी बने? सर, मैं 2-3 साल करीबन बहुत मुसीबतों का साथ करता रहा। कोई टेंडर नहीं मिला, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए पैसे नहीं मिले, लेकिन मैंने सोचा था कि मतलब मैं कुछ करके ही रहूँगा, मतलब मैंने पीछे नहीं हटा सर। और हमेशा मतलब एक साइकिल खरीदी मैंने 250 रुपये की, और उससे सफ़र मैंने तय किया। प्राइवेट गार्ड लगाता रहा, इधर गया उधर गया, 30-30 किलोमीटर साइकिल चला के जाता था। और इसके बाद फिर मैंने लूना खरीदी, वो सफ़र थोड़ा सा मेरा हल्का हुआ और मेरा उदय सन 2000 में हुआ। इंडस्ट्रियल एरिया में हम लोग टेक ओवर करते थे बैंक से, जो एक बड़ी एजेंसी वहाँ काम करती थी, तो हमको हाथ नहीं रखने देते थे। तो एक साथ थे, हमने साहब की बहुत सेवा करी, बहुत सेवा, मतलब सवेरे 9 बजे पहुँच जाना, उनके हर काम करना। तो साहब एक दिन फिदा हो गए, बोले यार चलो तुम्हें भी काम दे देते हैं। और ऐसे करके मेरे सन 2000 में मेरे को फैक्ट्रियाँ यूनिट मिली, जो 20% का मार्जिन लेकर के मैंने कमाया। इसके बाद MP Tourism मिला मेरे को 2008 में, जो मैंने 12 तक चलाया, बड़ा बिजनेस किया और 80 करोड़ की बैलेंस शीट बनाई। और आज सफर मेरा तय चलते जा रहा हूँ, बेटी की शादी करी मैंने। हर व्यक्ति की जिंदगी में उतार चढ़ाव आता है, आपकी जिंदगी में क्या कोई उतार चढ़ाव आए? सर, मेरी जिंदगी तो इन उलझनों से रही है, और सबसे बड़ी मेरी जिंदगी की उलझन रही जब मेरे को 2012 में छापा पड़ गया। तो छापा में वह टूट गया था, मेरे दिमाग में बहुत ख्याल आते थे उल्टे सीधे, लेकिन फिर भी मैं एक सुरैया का गाना सुनता था सर, कि ए दिल तुझे कसम में हिम्मत न हारना, जिंदगी के जैसे दिन हो वैसे गुजारना। और मैंने सर उस जिंदगी के हजारों बार वो गाना सुना स्कॉर्पियो में, और मैं हंसते हुए जाता था, मतलब मैं दुखी आदमी फिर जब बंगले पे जाता था तो भाभी को मुस्कुरा के बात करता था। और 12 से लेकर के मैं करीबन 15 तक मेरा सर 14 तक बहुत बुरे दिन रहे, 14 मेरा फ्रेक और फिर उदय हुआ सर।
लेकिन हिम्मत नहीं हारी सर मैंने। सोनी जी, राजनीति और समाज सेवा में आने का आपने कैसे इरादा किया और यहाँ आपने किस तरह अपनी स्थिति बनाई, किस तरह अपना मुकाम हासिल किया? सर एक्चुअली क्या हुआ कि सन 2000 में सिंधिया जी से एक मुलाकात हुई हमारी, माधवराव सिंधिया जी से, और वहाँ से हम एक पंडित जी थे उनसे प्रेरणा मिली यार तुम एक राजनीति में आओ। और उस समय सर मैंने 2000 में सत्ता ग्रहण करी कांग्रेस की, कांग्रेस के वरिष्ठ पदों पर रहा मैं, और कांग्रेस छोड़ करके मैंने बीजेपी का दामन थामा है जो अभी विधायक प्रतिनिधि वर्तमान में। तो समाज सेवा के क्षेत्र में मेरे को लगाव पहले से था कि यार मैं गरीबी से उठा हूँ, लेकिन किसी व्यक्ति को ये देखता हूँ तो कपड़े नहीं है, खाना नहीं है, जे नहीं है, तो मेरे पैसे जो पैसा बचता था, 1 रुपये 10 रुपये जो भी पैसा बचता था मैं गरीबों को करता था। और फिर इसलिए मैं 1998 में भाई साहब ने मेरे को भोपाल जिले का प्रेसिडेंट बनाया समाज सेवा में, स्वर्णकार समाज का जो मैं अध्यक्ष था और अभी प्रदेश अध्यक्ष हूँ। समाज सेवा में आने का मकसद क्या रहा और यहाँ पर आपने क्या उपलब्धियाँ हासिल की? सर समाज में मैं अपनी करीबन अभी तक मैं करीबन 15 शादियाँ करवा चुका हूँ जिसमें 1 लाख का डोनेशन मैं देता हूँ बच्चियों के लिए, और बेटियों से बढ़ के शायद कोई चीज़ है नहीं है, कोई वस्तु नहीं, कोई इंसान नहीं, बेटियाँ सबसे बड़ी धरोहर है देश की, उनको बचाना चाहिए और उनके साथ में अच्छा सम्मान करना चाहिए। सर मेरी कंपनी में करीबन एक समय 5000 लोग काम करते थे, अभी फिलहाल वर्तमान में 1500 लोग काम करते हैं और मैं उनको हर सुविधाएँ देता हूँ, मतलब उनको कोई दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। एडवांस कोई एजेंसी नहीं देती, मैं देता हूँ एडवांस पैसा भी देता हूँ, जो भी उनकी घर गृहस्थी का काम है वो भी करवाता हूँ, समाज सेवा के नाम से हो, किसी भी नाम से हो, राजनीतिक नाम से उनको लाभ पहुँचाता हूँ, क्योंकि वो गरीबी के दिन मैंने देखे तो मेरे को दर्द लगता कि उसको नहीं देखना पड़ेगा। सिक्योरिटी एजेंसी आपने स्थापित कर ली, इसके बाद बिजनेस के क्षेत्र में आपने क्या क्या प्रतिमान स्थापित और? सर एक कभी ख्वाब था, एक मैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवा रहा था तो बहुत भीड़ थी सर उसमें, तो मैंने कहा यार पहले डीजल मेरी गाड़ी में डाल दे फिर इसके बाद दूसरे में डाल देना, तो उसने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए साहब इतनी जल्दी तो पेट्रोल पंप खोल लो। तो मैंने सर एक ख्वाब देखा था और मैंने अपना खुद का पेट्रोल पंप एसआर प्लस का खोला है और मेरी खुद की गाड़ियां हैं, जेसी मशीन है, ट्रक है, डीजल पेट्रोल लेकर के मेरी गाड़ियां खुद जाती हैं। आपके शौक क्या क्या है? सर मेरा हमेशा से जब मैं पढ़ता था तो उस समय से हमारी टीम एक कुंवरपुर से हुआ करती थी जिसमें मैं एक कैप्टन के नाम पर खेला करता था, तो क्रिकेट का मेरे को बड़ा शौक है, आज भी बच्चों को लेकर के मैं खाले पीले ग्राउंडों में जाकर के क्रिकेट खेलता हूँ। और संगीत का भी शौक है, मैं पेनड्राइव में हमेशा ओल्ड गाने सुनता हूँ सर, और संगीत सुनना अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा, इंसान नहीं सुनता है तो माइंड फ्रेश होने के लिए संगीत जरूरी है। और आदर्श मैं अपने माँ बाप को मानता हूँ, मैंने मंदिर में माँ बाप की फोटो रखी है, इसके बाद सेकंड पर भगवान को रखा है, मैंने पेट्रोल पंप पे भी रखा, गाड़ियों में भी रखा है, उस पापा को और मम्मी को श्रेष्ठ भगवान का दर्जा मैंने दे के रखा था। कहा जाता है कि गाड़ियों का आपको शौक है, अच्छे कपड़े पहनने का आपको शौक है, इसकी वजह क्या है कि आप इतनी गाड़ियां बदलते हैं? सर कुछ नहीं, मेरे जीवन में एक गाड़ी कभी नहीं हुआ करती थी, पैदल जाता था 50 पैसे लेकर के, कभी मैंने सोचा था सर, तो भाभी से हमेशा बोलता था मेरा खुद का बंगला, खुद का ऑफिस, खुद की गाड़ी, वो खुद के नौकर चाकर होंगे तो मैं बाय बाय करूंगा। तो गाड़ियों का शौक ऐसे लगा साहब के सन 2000 में मैंने एक स्कॉर्पियो गाड़ी खरीदी जो फर्स्ट मॉडल था और आज मैं 8 गाड़ियां चेंज कर चुका हूँ, स्कॉर्पियो मेरे को बहुत अच्छी गाड़ी लगती है, एक्स भी है मेरे पास और भी महंगी गाड़ियाँ हैं, लेकिन गाड़ियों का मेरे को बहुत शौक है सर, इसलिए गाड़ी मैं 1 साल में चेंज कर देता हूँ। सर कपड़ों का मेरे इसलिए कि मैंने एक जिंदगी जब मेरी स्टार्ट हुई सर वहाँ तो 1 जोड़ी मेरे कपड़े थे और 1 जोड़ी कपड़े मैं 2-2 महीने पहनता था, उसको आप सुई धागा जानते होंगे, सुई धागा से मैं सिलता था, तो मैंने कभी सोचा था कि जब बड़ा आदमी बनूंगा तो बहुत स्टैंडर्ड कपड़े, एक से एक रेमांड और बड़े बड़े क्वालिटी के कपड़े पहनूंगा। तो साहब करीबन मेरे पास आज 20 जोड़ी सूट हैं और 5000 से जूते कम नहीं पहनता था मैं। बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी, आपकी ज़िंदगी निश्चित तौर पर देश के करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो निराश हैं, हार चुके हैं, उनके लिए भी आपकी ज़िंदगी की ये कहानी रोशनी की नई किरण लेकर आएगी। नमस्कार।